Gangadhar, Madhya, Kesu. All of these are due to और वर्ल्ड को देखते हुए वर्ल्ड के सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए और आज का दिन 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे पर आप सभी का स्वागत है। इस अद्वितीय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय चीफ गेस्ट मिस्टर एस के भादुरिया साहब, एक और उपस्थित हमारे सज्जन आई डोंट नो माय नेम सो इस अद्वितीय प्रोग्राम में उपस्थित सभी सहयोगीगण, गार्जियन, ट्रेन, सभी अद्वितीय बच्चे, सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इस विषय में उतनी जानकारियां नहीं है, लेकिन जैसा मैं अपने स्टडी के दौरान पढ़ा था, इसका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का विश्व के तरफ से लगभग 19वीं सदी के मध्य में मिडिल में इस पर बहस जारी हुई थी वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें जैसा मैं हो सकता है मैं सही जानकारी नहीं दे पाऊं, सीनेजर यूनाइटेड नेशन के सीनेजर बोल के जो पर्सन थे उन्होंने ही इस विषय पर जो है तो अपना मंतव्य देना और वर्ल्ड लेवल पर शुरू किया। उसके बाद सबसे फर्स्ट टाइम 1992 में मिस्टर हंटर, आई डोंट नो फुल नेम, शॉर्ट नेम मिस्टर हंटर ने इसका मतलब अपने तरफ से जो है कि इसका उद्भेदन प्रादुर्भाव करने का कोशिश किया। और जैसा मैं जानता हूं कि 1994 में ये फुल फेज में उस दिन से जो है तो 10 अक्टूबर के दिन से जो है 1994 में जो है तो इस डे का जो है तो पूरा क्रियाकलाप तैयार होकर उस डे से आज पर ईयर जो है तो हम लोग मनाना शुरू किया। उपस्थित बिंदु बदलाव ये नहीं है कि हम अपने लिए क्या कैसे और क्यों करते हैं, हकीकत तौर पर बदलाव सार्वभौमिक बदलाव उसे कहा जाता है कि समाज ने या यह कह ले कि जैसे महान व्यक्ति ने शुरू किया 19 के मध्य में या फिर 1992 में 1994 में एक कार्यान्वित हुआ, तो हम यानी ये कह लें कि धरती पर भी जो अक्षमता है, अदृष्टता का मतलब मेरा मतलब ये है कि जो लोग बहुत नहीं देख पाते हैं दिमाग से, उस विषय में भी हमारा दायित्व बनता है कि हम सोचें और उसके उसमें जितना हमसे बन पड़े, जो ही हमसे बन पड़े उसको कार्य करने के लिए हम तत्पर हो जाएं। दैट इज कॉल्ड ये हमारी जिम्मेवारियां हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं उस कुरीति में से एक ये आता है, अगर पूर्ण रूप से हम अपने जिम्मेवारी को समझें और 0.00001% अगर हम अपने जिम्मेवारी में इस सामाजिक जो कुरीतियां हैं या कमियां हैं उसको अगर हम अपनाने का कोशिश करें तो ये हमारे लिए जो है तो भाग्य का विषय है और ये हमें करना चाहिए।
अगर सभी लोग सिर्फ अपने विषय में अपने परिवार के विषय में ही सोचेंगे तो आज ये इस देश का निर्माण या ये स्टेज पर जो हम लोग एक जगह बैठ के बातचीत कर रहे हैं ये संभव नहीं हो पाता, वो भी सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने अपने लिए सोचते तो। बात है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, सभी के लिए या कुछ हद तक के लिए कुछ कुछ लोग सोचते हैं जो कि महान कहलाते हैं। इस तरह के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये जीवन संस्था जो कि संघ ने कहा कि मैं लगभग 29-30 साल से इस संस्था को और माननीय महाशय एके सिंह साहब को जानता हूं। तरह तरह की परिस्थितियां आई और उस परिस्थिति में अपने को एक अलग पॉइंट तक और निखार प्रदान करते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाकर इस मुकाम पर लाना जो कि जैसा आप सुनते हैं स्टडी का भी मौका मिलता है, सर के द्वारा भी बातचीत होता है और बड़े बुजुर्ग सबसे भी सुनते हैं कि जैसा इस क्षेत्र में मिस्टर एके सिंह कुछ नाम है जिसमें इनको गिना चुना जाता है, ये हमारे क्षेत्र के लिए और इस बस्ता कोला के लिए बहुत